पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद में जन समस्याओं के जल्द निस्तारण को लेकर हर माह के पहले और तीसरे शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में तहसील सदर के सभागार में तहसील समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह और हेमंत कोटियाल ने की। इसमें लगभग 40 शिकायतें प्राप्त हुई, जबकि 20 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष बची शिकायतों को संबंधित विभागों को भेजा गया और जल्द निस्तारण करने की बात कही गई। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि आज तहसील समाधान दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 40 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, 20 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। सबसे ज्यादा शिकायतें राजस्व विभाग से प्राप्त हुई। उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय सभी अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और जिस विभाग की शिकायतें हैं उस विभाग को दी जा रही हैं और समयावधि और गुणवत्तापूर्ण शिकायतों को निस्तारण करने के लिए कहा गया है। तहसील समाधान दिवस 10 बजे से शुरू हुआ है, 1:15 रहा है, तो अभी तक लगभग 40 के आसपास शिकायत, अभी भी कुछ शिकायत करता आ गए। 2 बजे तक समाधान दिवस होगा, 2 बजे तक शिकायतों का हम लोग और ज़्यादातर जो शिकायतें आई हैं राजस्व विभाग से संबंधित शिकायतें हैं, अन्य विभागों से संबंधित भी शिकायतें हैं, तो सारे विभागीय अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। जिस विभाग से संबंधित शिकायतें विभाग को किया जा रहा है और समयबद्ध रूप से और गुणवत्तापरक रूप से विस्तार करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि अगर IGRS और तहसील दिवस थाना दिवस समाधान दिवस सभी शिकायतों को देखें तो विगत माह में हमारी कोई भी शिकायत विभाग तो नहीं थी, और सारी शिकायतों का हम लोगों ने महीने के अंत तक निस्तारण कर दिया था। आगे भी हमारा लगातार प्रयास रहेगा गुणवत्ता पर समयवत्ता के साथ शिकायतों को। सर क्या निर्देश दिए गए आपके द्वारा? देखिए बेसिकली निर्देश यही है, तो नियमित रूप से सभी जिला स्तरीय अधिकारी अपने कार्यालय में कम से कम एक घंटे जन सुनवाई करें, जो लोग आए उनकी बातों को पूरे सम्मान के साथ सुनना और जो उनकी समस्या है उसका गुणवत्तापरक निदान किया जाए। जरूरी नहीं कि हर समस्या का निदान जैसा शिकायत करता चाहे वैसा ही हो जाए, तो कई बार दो पक्ष होते हैं और दोनों पक्षों के अलग अलग मत होते हैं, उस पर जो सही निर्णय है वही किया जाए। सर आज जो शिकायतें ज़्यादातर मतदाता सूचियों को लेकर के आई हैं, नाम डबल जैसे हो रहे हैं, तो उसके लिए क्या करने वाले हैं? नहीं, ज़्यादा रिपीट करें, आप क्या कर रहे हैं? सर मतदाता सूचियों को लेकर के लोग शिकायत कर रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। नहीं देखिए, मतदाता सूची की शिकायतें यहाँ पर नहीं ली जा सकती, यहाँ पर सामान्य दिनों की जो शिकायतें, मतदाता सूची की प्रक्रिया की 7 तारीख तक अगर किसी का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 3 ये भर करके दे सकता है। ऐसे ही किसी को अगर करेक्शन कराना है या किसी का नाम कटवाना है उसके लिए 3B और 3C फार्म है, वो भर करके दे सकता है। तो जो भी फार्म भर के देंगे 7 तारीख तक लास्ट डेट है, उनकी फार्मों की जांच की जाएगी और कोई नाम अगर छूटे तो उनका मतदाता सूची में शामिल हो जाएगा, और कोई गलत शामिल है उनका नाम हटेगा।